कैथल में एक दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए दुकान लूटने आए बदमाश को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। दुकानदार की इस बहादुरी की जमकर तारीफें हो रही हैं। कैथल में एक बदमाश करेंसी चेंज करने वाली दुकान को लूटने के लिए दुकान में घुसा। बदमाश ने दुकानदार पंकज गुप्ता पर पिस्तौल तानकर कहा, जो कुछ है थैले में भर दे। दुकानदार ने हिम्मत दिखाकर बदमाश की पिस्तौल पकड़कर उसकी धुनाई कर दी, उसे दुकान से बाहर खींचकर सड़क पर ले आया। तो एक ये बंदा आया और मेरे सिर के ऊपर आके खड़ा हो गया। इसने शॉल पेटी हुई थी, आंखों पे काला चश्मा लगाया हुआ था और मुंह अपना ढका हुआ था रुमाल से। और इसने मेरे आगे थैला घेर दिया अपना खाली, मेरी मेज के ऊपर फेंक के कहता, इसके अंदर जितना भी माल है फटाफट इसके अंदर भर दो। फिर कहता, जो अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो ये रिवॉल्वर दिख रही है तेरे को। हाँ, रिवॉल्वर दिखाई मेरे को इसने और कहता, इसके जितनी भी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। घटना को देखकर दुकान के आसपास काफी लोग जमा हो गए, लेकिन पिस्तौल देखकर कोई पास नहीं आया। बदमाश की पिस्तौल गिर गई तो दूसरे दुकानदारों ने भी उसकी जमकर धुनाई की। धुनाई करने के बाद बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ तो दुकान करते हैं, व्यापारी हैं, दुकान के अंदर ये लड़का घुस गया, इसने अवैध कोई असला लिया हुआ कि इन्फॉर्मेशन मिली भी, वहाँ झगड़ा हो रहा है, इस तरह का कोई मैटर था। पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस ने राउंड अप कर लिया उस आदमी को जिसने ये घटना करने की कोशिश करी है। बाकी कंप्लेनेंट करता अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करके आगामी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यही बताया कि उसने मौके पर पकड़ लिया था और फिर कुछ और समाज के लोगों ने हेल्प की। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल है। प्रदेश में जिस तरह अपराध की घटनाएं हो रही हैं, उसने पुलिस की काम करने की शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।